आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या ऐसी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं जिनसे सबसे पहले निपटेंगे और कैसे? मैं देश की सुरक्षा के लिए, जैसे पाकिस्तान बार बार हम लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ हमले करते रहता है, जिस तरीके से अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान को 10-15 साल में एक तरीके से नस्त नाबूद कर दिया, पहला कदम तो हमारा ही होगा, क्योंकि हमारे देश के विकास में कहीं ना कहीं आतंकवाद बार बार रोड़ा बन जा रहा है, तो पहला काम तो मैं उसे ख़त्म करूँगा। दूसरा काम युवाओं के लिए हर रोजगार की व्यवस्था, जैसे जोन वाइज पूरे देश को जोन वाइज बांट करके औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जिससे दिल्ली का व्यक्ति अगर है तो दिल्ली के साइड में नौकरी करे, अगर बिहार का व्यक्ति है तो बिहार के साइड में, पलायन जो है इससे रुकेगा। कि शिक्षा की जो हर समय अभी आप वीडियो पर देख रहे होंगे, लोग देख रहे हैं कि एक व्हाट्सएप चल रहा है, लाइव चल रहा है कि हर साल फीस नहीं लिया जाएगा एडमिशन, और अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी किया गया है, सराहनीय कदम है, लेकिन वो चीज़ें धरातल पर उतरती ही नहीं है। हमारा मस्तिष्क अगर साफ नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम कतई विकास के रास्ते में नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की सारी दवाएं फ्री कर दिया जाएगा, और जो बार बार एडमिशन फीस जो है सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सालय में बैठ के लोग मोटी मोटी रकम फीस लिया करते हैं, वह हिंदुस्तान की तरक्की के लिए तुरंत बंद किया जाएगा। गरीबी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमारे लायक होने लायक होगा वो हम कैसे दूर करेंगे? अच्छा, गरीबी कोई आइडिया आता है आपके दिमाग में कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं ये करता? गरीबों का एक सर्वे करा करके कि कितनी संख्या है, कितने मात्रा में लोग गरीब हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, उनके लिए क्या सुविधा दी गई है, उनका मूल्यांकन करके जो भी हमारे से बनेगा वो करेंगे। आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दे तो क्या करोगे, क्या ऐसी परेशानियां हैं आपको लगती जो आप सबसे पहले दूर करोगे? पहले नंबर तो हम तो आतंकवादियों को खत्म करेंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो क्या श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे लिए आगे और अच्छा काम करें जी। सबसे पहले शिक्षा सुधारा जाएगा, जो एडमिशन बार बार होती है साल में वो बंद किया जाए, और चिकित्सा वो भी जरूरी है, बहुत लोग जाते हैं अस्पताल में, मरीज परेशान रहता है, मोटी रकम मांगते हैं सब लोग,